पावर सेंटर में बात अब एक राजधानी लखनऊ से जुड़े अफसर की और उसके भ्रष्टाचार की। सरकार की नाक के नीचे राजधानी में तैनात रहते हुए उसने भ्रष्टाचार के कई कीर्तिमान बनाए। आप यूं भी कह सकते हैं कि उसके खुलेआम भ्रष्टाचार से राजधानी कराहती रही, लोग चिल्लाते रहे, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगी। बात आज लखनऊ के पूर्व डीएम अभिषेक प्रकाश की हो रही है। अभिषेक प्रकाश के पद से हटने के बाद से उनके कारनामे परत दर परत अब खुलते जा रहे हैं। अभिषेक प्रकाश के इस काम में उनके कई एडीएम भी शामिल रहे हैं, जिसमें अमर पाल और विपिन मिश्रा का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। अभिषेक प्रकाश ने डीएम लखनऊ रहते भ्रष्टाचार के कैसे कैसे रिकॉर्ड बनाए हैं, उस पर हम आपको आज ले चलेंगे। जहां मौका मिला अभिषेक प्रकाश ने खुला खेल फरुखाबाद वाली कहावत को चरितार्थ किया। आज ताजा घोटाले में बात संग्रह अमीनों और संग्रह अनुसेवकों की भर्ती पर होगी, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे शासनादेशों का उल्लंघन करके, कैसे भ्रष्टाचार करके एक डीएम ने राजधानी में कितने सारे लोगों के करियर को बर्बाद कर दिया, कितने सारे लोगों के जीवन में अंधेरा कर दिया। लखनऊ में संग्रह अमीनों और संग्रह अनुसेवकों की जो भर्ती हुई है, जो उनकी रेगुलर नियुक्ति हुई है, उसमें डीएम अभिषेक प्रकाश ने एडीएम विपिन मिश्रा के साथ मिलकर हाई कोर्ट के आदेशों को ठेंगा दिखाया है। अभिषेक प्रकाश ने लखनऊ में एक नहीं कई कारनामे किए, जिसमें उनके कई एडीएम भी साथी रहे। अमर पाल, विपिन मिश्रा, ये दोनों उनके खास थे, जिनके साथ मिलकर तमाम सारी धांधलियां हुई। अभिषेक प्रकाश ने संग्रामीनों के मामले में उस शासनादेश के आधार पर भर्ती की जो खत्म हो चुका था, खारिज हो चुका था। उस आधार पर 48 अनुसेवक और 8 संग्रह अमीन के पदों पर जो रेगुलर नियुक्तियां की गई, उसमें भ्रष्टाचार किया गया और जो लोग पात्र थे उनको चयनित नहीं किया गया। अपात्रों का चयन हुआ और किस आधार पर हुआ, ये हर कोई जानता है। 2001 का जो शासनादेश था, जिसके आधार पर संग्रामीनों की भर्ती की गई लखनऊ में, वो 2002 में सरकार ने समाप्त कर दिया था। उसके बावजूद अभिषेक प्रकाश ने अपनी अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई थी, जिसमें विपिन मिश्रा जो उस समय वर्तमान में एडीएम वित्त थे, सब कर्ता धरता वही थे, जिस मनमाने ढंग से जो जियो निरस्त हो गया है गवर्नमेंट आर्डर, उस आधार पर नियुक्तियां की गई, उससे पात्र जो लोग थे वो नौकरी पाने से वंचित रह गए। सीनियर कर्मचारी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। ना तो इन नियुक्तियों में अभिषेक प्रकाश ने आरक्षण का कोई पालन किया, क्योंकि वो जानते थे कि वो स्वयंभू हैं और सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का, जब उनके सरकार में सीधा कनेक्शन है तो वो किसी से क्यों डरे। आरोप साफ है कि इन भर्तियों में भारी भ्रष्टाचार किया गया। आज कर्मचारी इन भर्तियों की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन लखनऊ और उत्तर प्रदेश के लोग और ब्यूरोक्रेसी में बैठे लोग ये बात जानते हैं कि अभिषेक प्रकाश ने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को पार कर दिया है। राजधानी में एक नहीं सैकड़ों मामले उनके सामने, उनके रहते और उनके बाद भी खुलते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। क्या मजबूरी थी सरकार को कि उनको इतने लंबे समय तक लखनऊ का डीएम बनाकर रखा गया? ऐसे दागी छवि के और भ्रष्टाचार करने वाले अफसर जो जमीनों से लेकर नियुक्तियों और तैनातियों में तमाम सारा खेल करते रहे, जो संपत्तियां बनाते रहे, जो अकूत संपत्ति अर्जित करते रहे, जिनके अफसरों के एक रैकेट बने रहे, ऐसे अफसर कैसे इतने समय तक लखनऊ में काम करते रहे? बड़ी हैरत होती है। आज जरूरत इस बात की है कि अभिषेक प्रकाश के समय में ये जो भ्रष्टाचार से भर्तियां हुई, इनको रोका जाए, इनकी मेरिट चेक की जाए, इनका आरक्षण चेक किया जाए, इनका गवर्नमेंट आर्डर जियो जिस आधार पर हुआ है भर्ती वो चेक की जाए, और इसके लिए एक जांच कमेटी बने और जो दोषी अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। ये सब चीज़ें हम आपके सामने इसलिए लाते हैं कि कोई अफसर अन्याय करके ऐसे ही बच के नहीं चला जाना चाहिए।
इस लोकतंत्र में दुनिया और जनता और सरकार वो ये जाने कि जिस पे उसने भरोसा किया था वो कितना दगाबाज है। बहरहाल पावर सेंटर में भ्रष्टाचार के इस किस्से पर आज बस इतना ही, और जाते जाते आपको मंजर भोपाली की कुछ लाइनों के साथ हम फिर छोड़ जाएंगे कि जो चाहे कीजिए, कोई सजा तो है ही नहीं, जमाना सोच रहा है कि खुदा तो है ही नहीं। वो अपने चेहरे के दागों पर क्यों ना फक्र करें, अब उनके पास कोई आईना तो है ही नहीं। नमस्कार।